મારું નામ પરમાર વિક્રમસિંહ છે. બરાબર છે. આપ ક્યાંથી પધાર્યા છો? હું જૂનાગઢથી પધાર્યો. બરાબર છે. અને આપને શું પ્રોબ્લેમ હતી? કાનમાં થોડી બહેરાશ હતી અને એક કાનમાં તમારા હતા. બરાબર છે. અત્યારે આપને અમે લોકો વગર મશીને વગર ઓપરેશને તમને ઘરમાં અહીંયા એક કલાકમાં સુવડાવીને દવા કરી એ પછી આપનો શું અનુભવ છે? બે શબ્દ આશીર્વાદ ના આપો. જ્યારેથી સંસારમાં ખરેખર સાચી વાત હોય તો અમારી બહેરાશ મટી હોય, તમને ફાયદો થયો તો બીજા લોકોને થવું જોઈએ ને, એના માટે કહો તો કેવું છે? અનુભવ એવી રીતે છે કે કાનમાં પહેલા સંભળાવવામાં થોડું ઓછું હતું, પણ દવા નાખ્યા પછી સંભળાવવામાં ફેર પડ્યો છે. એમ તો સારું ઘણું ફેર પડ્યો. બરાબર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારામાં હજી ફેર નથી પડ્યો બહુ? તમારામાં હજી થોડો ઓછો પડ્યો. થોડો ઓછો પડ્યો છે. બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ. ભગવાન તમારું ભલું કરે. और उसी से हम बहरापन मिटाते हैं और उसी के वीडियो यूट्यूब गूगल पे डाले हुए हैं, वही की वही सारी ट्रीटमेंट आपको हम घर बैठे भिजवा रहे हैं और आपको वीडियो के द्वारा भी समझाएंगे. आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाली थी वही ट्रीटमेंट आपको घर पर मिलेगी. फिर क्या चिंता है? हाथ कंगन को आरसी क्या आपको कोरियर से दवाइयाँ टाइम पर मिल जाएगी और इन शॉर्ट दवाइयाँ मिलेगी. चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. कृपा करके आने का आग्रह न रखें. समय बहुत कठिन खराब है. समय का सामना करो. आजकल वातावरण बहुत खराब है. प्लीज़ आने के अलावा दवाइयाँ घर बैठे मंगाइए. यदि ज़्यादा अविश्वास हो तो अभी मत मंगाओ, बाद में करवा लेना. जब ठीक आपको लगे वातावरण ठीक हो गया 6 महीने 12 महीने के बाद में आ जाना. कान को ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आजकल जब महामारी हो जाएगी, कुछ ही नहीं होने वाला है. आपको ट्रीटमेंट करानी है, घर बैठे दवाइयाँ मंगाओ, ट्रीटमेंट कराओ. दवाई ही है दवाई. देखिए कान में खाली दवाई नहीं है, दवाई है, एक्सरसाइज है, थेरापी है, थप्पड़ थेरापी है, पॉइंट है और वर्म थेरापी है और आपके सिस्टम है उसकी उसका वो क्या बोलते हैं उसके विधान है, उसका समय है. उसके बाद में कान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ है. अलग अलग विषय पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाई गई है. कम सुनने वाले को बेसिक सुनने वाले, सुनने के साथ में पेट की दवाइयाँ दी जाती है. राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है. पेट में दर्द है, पेट में नहीं है, टीनिटस है, कान में चक्कर आ रहे हैं और सुनाई कम दे रहा है, आवाज़ें आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार असारा में क्या करूँगा. उन सब की बहुत सरल दवाइयाँ मित्रों, रिजल्ट बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सत्य कह रहा हूँ, कोई असत्य नहीं. आज की बात नहीं, बरसों से कर रहे हैं. यदि किसी को तकलीफ हो ज़्यादा हो तो वापिस संपर्क करो यार, हम तो आपके मदद में बैठे हुए हैं. हमने तो सिर्फ कफन बांध के बैठे हुए हैं कि हमारा कोई भी काम होगा वो जीवन मरण केवल कान के बहरापन मिटाने के लिए, कान की बहरापन की ट्रीटमेंट करने के लिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए है. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन से कान के लिए ही समर्पित है.